बीपी सिंह ने मुझे चैलेंज करके कोर्ट में गया है कि ये फांसी अनंत तक काल तक नहीं होगी, तो ये कोर्ट सुन ले, दिल्ली सरकार सुन ले, केंद्र सरकार सुन ले कि उसने कहा के गया है कि ये फांसी अनंत काल के लिए टल गई। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें 7 साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआ था, बार बार हमारे को उन मुजरिमों के सामने सरकार झुका रही है, कोर्ट झुका रहा है। आज लंबे समय तक आंटी आपने इंतजार किया और आपकी उम्मीद थी आपसे। मैं सुबह 10 बजे से कोर्ट में आके बैठी हूँ, अगर यही पोस्टपोन ही करना था तो इतना पूरे दिन बैठाने की क्या जरूरत थी। आप फैसला देते हम घर जाते, लेकिन नहीं, पूरे टाइम हमने इंतजार किया। हमें भी उम्मीद होती है कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन सबसे दुख की बात है कि एक मुजरिम का वकील हमें चैलेंज करके गया कि ये फांसी कभी नहीं हो सकती। आपको नहीं लगता कि कानूनी जो कानूनी लूप होल्स हैं, जो कानूनी कमियां हैं, उसका फायदा पूरी तरीके से जो दोषी हैं वो उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, या उनको सरकार और कोर्ट मौका दे रही है कि उठाओ, क्योंकि वो देश के पुरुष हैं, वो बच्ची का कोई हक नहीं था दुनिया में जीने का। इन्होंने क्राइम किया, लेकिन इनका हक है कि ये बार बार फांसी के डेट को पोस्टपोन करवा रहे हैं और मेरे को चैलेंज करवा करके गया कि फांसी नहीं हो सकती। बहुत उम्मीद से थी चमत्कार होगा, आपको पूरा नहीं उम्मीद था, लेकिन नहीं, आज कुछ चमत्कार नहीं हो पाया जो उम्मीद आपकी थी। नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि चमत्कार होगा, लेकिन सुबह भी मैंने कहा था कि डेट वारंट जारी है, तब तक उम्मीद है। लड़ाई क्या सोचा आपने आगे? मैं लड़ूंगी, सरकार को उनको फांसी देना होगा, नहीं तो पूरे समाज को सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट को सिलेंडर करना होगा कि हमने फांसी की सजा लोगों को गुमराह करने के लिए दिया था, शांत करने के लिए दिया था। लगातार मर्सी जो है एक एक करके लगाई जा रही है, अभी सिर्फ दूसरे जो दोषी है उसकी मर्सी अब लगाई गई है। निश्चित काल के लिए टल गई, अब और नहीं लगाएंगे, इसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे कि ये समय सीमा तय की जाए इनको लगाने के लिए? अब हो सके सरकार का मन बदल गया हो कि उनको नहीं फांसी देंगे। आप ये भी कह रही थी कि वोट के लिए सरकार इस तरीके की करती है कि हाँ फैसला होगा, लेकिन हो नहीं पाया, क्या कहना चाहिए आप ही कह रहे? देखिए, हमेशा से सरकार वोट के करना चाहती है नहीं करना चाहती है, मुझे मैं इस पे बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आज यही सरकार से, अपने कोर्ट से, न्याय व्यवस्था से, केंद्र सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आज इस कानून व्यवस्था के कमी के वजह से आज एक मुजरिम का वकील मुझे कोर्ट में चैलेंज करके गया है कि अनंत काल तक फांसी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो जो चाहते थे मुजरिम वो हो गया। तो इस पे अब कोर्ट विचार करे, सुप्रीम कोर्ट विचार करे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिव्यू खारिज करी, उनकी क्यूरी पटीशन खारिज करी, तो आखिर वजह क्या है कि उसने मुझे चैलेंज किया कि फांसी नहीं हो सकती। पिछले दो बार तो तारीख भी मिली थी, 22 जनवरी, फिर 1 फरवरी, इस बार तो कोई तारीख भी नहीं मिली है, क्योंकि जो मुजरिम चाहते थे वो हो गया, वो चाहते थे कि ये फांसी अनंत काल तक टल जाए, वो टल गई। कहीं ना कहीं कोर्ट सरकार सब उनको सपोर्ट कर रहे। अभी आपको भरोसा है कानून पर ही, आप उम्मीद पूरी तरह टूट गई? नहीं, क्योंकि कानून पे भरोसा है, अगर कानून में फांसी है तो उनका देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा संविधान को आग लगाना पड़ेगा इनको। कोर्ट ने जो बात कही है उससे जो बच्चियों पे लगातार क्राइम हो रही है, क्या समाज में संदेश जाएगा, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? और उनके हौसले बढ़ेंगे और क्राइम होगा, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ऊंची हवेली में बैठे हैं, इनको हवा तक नहीं लगती है, तो ये कहीं ना कहीं मुजरिमों का सपोर्ट कर रहे हैं। अब अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया, क्या कहना है आप? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्भया मामले से जुड़े, कल फांसी होनी थी पर फांसी फिलहाल टल गई है। निर्भया की मां एक बार फिर से रोती बिलखती नजर आई और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हम डटे रहेंगे, उम्मीद नहीं हारेंगे, यदि संविधान है, यदि सरकार है, तो हमें उम्मीद है कि फांसी जरूर होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो खुल के सामने आई है कि दोषी के वकील का कहना है कि इन दोषियों को कभी भी फांसी नहीं होगी, फांसी की सजा जो है वो टाल दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फांसी की सजा जो पोस्टपोन की गई है, मुझे लगता है कि हमारी जुडिशरी
स्पेशली मैं इस कोर्ट की बात करूं, ये कोर्ट, इनके पास बिल पावर नहीं था, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अदरवाइज लॉ बहुत क्लियर है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याकूब मेनन केस में उन्होंने बोला था कि अगर लॉ को मैनिपुलेट किया जाएगा तो फिर इस तरीके से वो मर्सी में, जिसके लिए इनको 3 बार 4 बार नोटिस किया जा चुका, टाइम लैप्स हो चुका था, फिर इन्होंने क्यों उनको रिलीफ दे दी, क्यों पोस्टपोन कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। और देखिए, इस ये हमारी फाइट कंटिन्यू है, ऑर्डर पोस्टपोन हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है, फांसी तो देनी पड़ेगी। अगर इस सिस्टम ने लॉ में प्रोविजन कर रखा है कि डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है, तो हैंग तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर खत्म हो चुका है। इन कन्विक्टेड को किस आधार पे बचाया जा रहा है, और जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग आकर के कि उनका जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, तो मुझे लगता है कि एक बार इस देश में हर चीज की डेफिनेशन को क्लियर करने पड़ेगा कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है क्या आखिर, और जो भी हमारे लोअर कोर्ट हैं उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर का रिस्पेक्ट करना चाहिए था, फॉलो करना चाहिए था। 2 पर्सन जिसमें एक अक्षय कुमार एंड उसके अलावा विनय शर्मा की जो क्यूरेटिव रिजेक्ट हुई थी, उसमें इन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया था पोस्टपोन करने के लिए, स्टे के लिए, बट माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें स्टे नहीं देता है। तो इस कोर्ट ने कैसे स्टे कर दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो निर्णय आज आया, इसको लेकर के मैं खुद बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं क्लियर थी कि एटलीस्ट अगर मर्सी, उनकी पिटीशन पेंडिंग है विनय शर्मा की, तो एक को हैंग नहीं किया जाता, बट 3 को तो किया जा सकता था, क्योंकि जो दिल्ली जेल मैनुअल है वो कह रहा है कि 4 अपने राइट का एक साथ यूज करेंगे, बट इस चीज़ में क्लियर नहीं है कि 3-4 को एक साथ टांगा जाए, हैंग किया जाएगा या अलग अलग। तब जब 3 के जो भी राइट्स बचे हुए नहीं है, एग्जॉस्ट कर चुके, तो उन 3 को तो एटलीस्ट कल हैंग करने का, एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर था वो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था। रियली आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, इनको तो हैंग करवा कर ही रहूँगी, क्योंकि जो निर्भया जिसके साथ ये बर्बरता हुई थी, आज भी मैं बहुत बार वही सोच रही थी, उम्मीद थी कि कल उनको हैंग किया जाएगा, तो मैं वो पूरी पिक्चर मेरी आंखों के सामने गूंज रही थी कि दिल्ली की सड़कें पे एक बेटी के साथ रेप होता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर, और क्या और किस तरीके का क्राइम चाहिए हमारे देश को जिसमें वो उनको हैंग करेंगे, जिस बेटी के मतलब वो बजाना में रॉड डाल करके, आयरन रॉड डाल के उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये क्या मेरे सिस्टम को दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या ये जुडिशरी उनको क्यों रिलीफ दे रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम, हमारा लॉ, हमारा पुलिस सिस्टम, इस देश का पूरा सिस्टम अब रिफॉर्म मांगता है, जो बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ अगर कोई इनोसेंट है तो उसको भी आप जल्दी फास्ट हियरिंग करके उसको शॉर्ट आउट करो चीज़ों को, अगर कोई इनोसेंट है तो वो छूट जाए, लेकिन जो इतने हीनियस क्राइम में कन्विक्टेड हैं आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपने सुना सीमा कुशवाहा को, जो निर्भया की वकील है, और एक बार फिर से निराश की खबर आपको बता दें, 1 फरवरी को फांसी होनी थी पर अब ये फांसी नहीं होगी। मतलब साफ है, जो भी दलीलें दी जा रही हैं कि दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रखी थी, और आज की सुनवाई से ये साफ हो गया है कि विनय की एक याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग होने की दलील दी गई है। मतलब कानून का कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है, और आसान शब्दों में समझे तो अभी 3 दोषियों के पास कानून का जो विकल्प है वो है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, निर्भया मामला से जुड़ा हुआ पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी है।